मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करते हैं इस नए फ्रेश व्लॉग में। और ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में काफ़ी दिनों के बाद में हम ये व्लॉग लेकर आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आफ्टर एक मंथ हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे, तो अभी मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज की जो वीडियो लाया हूँ वो एक धमाकेदार और सुपरहिट मूवी जय हिंद की लेकर आया हूँ, जो कि भोजपुरी मूवी है। और मैंने सोचा भोजपुरी मूवी की शूटिंग लोकेशन लाऊं, आपको पसंद आ रही है भोजपुरी की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मुकद्दर की, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा अच्छा प्यार दिखाया। तो आज मैं जो मूवी की शूटिंग लोकेशन लेकर आया हूँ वो इसका नाम है जय हिंद। और ये मूवी 2019 में आई थी और इसमें इस फिल्म में जो हीरो दिग्गज हीरो थे वो हमारे पवन सिंह थे। और दोस्तों, ये हरदोई लखनऊ हरदोई रोड है और ये रोड हरदोई की तरफ गई है और ये रोड गई है सहिला मऊ की तरफ। तो ये अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है मलियाबाद क्षेत्र, और मलियाबाद क्षेत्र में अभी मैं खड़ा हूँ अम्रपाली वाटर पार्क के पास में ही। उसी के सामने ये थोड़े से क्वार्टर्स बने हुए हैं जो कि रेंट पे रहते हैं, और यहीं पर ही मूवी की फर्स्ट लोकेशन शूटिंग हुई थी। तो मैं ये उसको भी मैं दिखाता हूँ। चलिए अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ से लिया गया हुआ है, जो इन पीछे घर देख लीजिए और ये गेट मैच कर लीजिए, जो निधि शर्मा होती हैं जो मैजिक में बैठी होती हैं। तो ये सीन एक यहाँ का लिया गया हुआ है, पीछे का घर मैच कर लिए, खिड़की दरवाजे सब मैच कर लीजिए और ये दरवाज़ा मैच कर लीजिए इस तरह का। ये सीन यहीं से लिया गया है और ये लखनऊ हरदोई रोड के जिस बगल में ही लिया गया हुआ है। ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये सारे घर देख सकते हैं। तो ये एक जैसे सारे घर हैं, तो ये सीन यहीं पे लिया गया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे मैच कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लगा दिया है वहाँ से मैच कर लीजिए। ये सीन यहीं से लिए गए हैं। और चलिए चलते हैं अब दूसरी लोकेशन पे। अभी हम उस जगह पर आ गए हैं जिस जगह पर पवन सिंह की जो फाइट वाले सीन जो होते हैं यहाँ पे, तो वो सीन यहीं पे लिया गया हुआ है। उस जगह पे आ गए हूँ मैं, उस लोकेशन को आपको दिखाता हूँ। चलिए देख दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये टाइल्स देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ पे लिया गया हुआ है, जो कि यहाँ पे फाइट होती है पवन सिंह की, यहाँ पे दुकानें लगी होती हैं, मेला टाइप का लगा होता है। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए, ये सीन यहाँ पर लिया गया हुआ है। और यहाँ पे बाटी चोखा की दुकान है और एक इधर ये बाटी चोखा की दुकान है, पूर्वांचल बाटी चोखा, इनके भी यहाँ पे सीन ले रहे हुए हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सीन सारे पेड़ मैच कर लीजिए, ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है। यहाँ पे जो पवन सिंह की शूटिंग होती है यहाँ पे फाइट वाले जो सीन लिया जाते हैं यहीं पर लिया गया। ये टाइल भी मैच कर लीजिए, टाइल भी उस समय टाइल नहीं थी, घास वास था। तो उस समय पीछे ये अम्रपाली वाटर पार्क नहीं था जो पीछे अभी नया बना हुआ है, तो ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है। तो ये मैच कर लीजिए, ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है जो ये देख सकते हैं। दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ पे लिया गया हुआ है, जब यहाँ पे मैजी निकलती है पवन सिंह की, तो पीछे का वो पेड़ और पीछे की दीवार वो मैच कर सकते हैं, काफ़ी उनके में इफ़ेक्ट लगाया गया था दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है। अभी चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ दिखाने। तो अभी मैं अम्रपाली वाटर पार्क के बाहर खड़ा हूँ और अभी एंट्री तो नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण ये अभी एंट्री सारी बंद है यहाँ पर, और वाटर पार्क अभी चालू भी नहीं हुआ है। तो एक सीन मूवी का यहाँ पे इसके अंदर लिया गया हुआ है यहाँ पे, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो आपने दोनों गुम्बद देख रहे हैं ये मूवी में दिखाए गए हैं यहाँ पे, विलन के साथ में जब यहाँ अंदर बैठे होते हैं हमारे दिग्गज हीरो। तो यहीं पे एक अंदर अभी बंद है दोस्तों, दिखा नहीं सकते, और बाकी ऐसे देख लीजिए। और ये कुछ रोड है इस तरह की। अभी हम उस लोकेशन पर आ गए हैं जिस लोकेशन पर मतलब पवन सिंह जो होते हैं यहाँ पे बाटी चोखा की ये दुकान देख रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो यहीं पे ही साइंस सीन लिए गए थे। तो अभी हम भैया जी से भी आपको मिलवाते हैं, यही वो दुकान है जो कि सीन लिए गए थे, और भैया ने इस मूवी में भी काम किया हुआ है, तो सारे सीन अभी हम इसको आपको दिखाएंगे। तो आप दुकान में ये देख लीजिए, पूर्वांचल की मशहूर बाटी चोखा। तो ये सीन यहाँ के लिए है, भैया से भी बात करते हैं कुछ। और ये है मलियाबाद मार्केट, दिखाना रहा कि मार्केट में हम लोग दुकान लगाए हैं। चौराहा भैया की दुकान, और इस सीन की दुकान का भी सीन लिया गया हुआ है। तो चले चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ दिखाने के लिए। अभी हम उस सीन उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर पवन सिंह की जो गाड़ी होती है, तो यहीं इस मोड़ से होती है, तो इस सीन को दिखाते हैं। और ये सब दिखाया गया हुआ है। तो दोस्तों, मूवी में एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है, ये जो कट देख रहे हैं यहाँ पर लिया गया हुआ है। ये सीन मैच कर लीजिए, पीछे के नारियल के पेड़ मैच कर लीजिए, ये यहीं पे सीन लिया गया। वो यहाँ पे पेड़ हुआ करता था वो अभी टूट गया है, और ये कट जो देख रहे हैं ये यहीं से। थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं, और इस मूवी में जब विकलांग जो होता है
वो कच्चे रास्ते से खड़ंजे की तरफ से जाता है, वो सीन इस खेत की तरफ का लिया गया हुआ है, ये यहाँ का सीन लिया गया हुआ है। तो चलिए मैं स्क्रीन को इसको भी पूरा मैच कराता हूँ, मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा दोस्तों, ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ये मैं करंट लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको, मलियाबाद क्षेत्र में यह पूरा ये इलाका पड़ता है। ये मलियाबाद के में अम्रपाली के जस्ट सामने ही ये सारी लोकेशन है, तो एक देख लीजिएगा दोस्तों। मूवी में एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है, जब एक विकलांग और एक लेडीज़ जो यहाँ कच्चे रास्ते से आते हैं, तो ये मैच कर लीजिए, ये यहीं से लिया गया हुआ है उस मूवी में। इस खंभे को भी ये देख लीजिए, खंभा मैच कर लीजिए, झुका हुआ खंभा, और वो पीछे वाले वो क्लस्टर के पेड़ भी मैच कर लीजिए। ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है। पहले इस खेत में नर्सरी या कुछ बोया हुआ था, कुछ हरा भरा बोया हुआ था, और कटीले तार लगे थे इसलिए अंदर जाना अलाउ नहीं था। और अभी तो ये खेत पूरा खाली पड़ा हुआ है, और ये रोड मैच कर लीजिए, ये रोड यहीं से ही लिया गया हुआ है सीन। तो एक सीन वहाँ का, उस आगे की रोड का लिया गया हुआ है, मैं वहाँ का भी आपको पूरा दिखाता हूँ। पहले तो ये मैच कर लीजिए, मैं स्क्रीन शॉट लगा दिया, यहाँ से मैच कर लीजिए, ये लेडीज़ और ये विकलांग ये इसी रास्ते से आते हैं, ये खंभा मैच कर लीजिए, और वो पीछे का जो पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, वो ज़रूर मैच कर लीजिए, मूवी में वो पेड़ आया हुआ है दोस्तों। मूवी के जो सीन बाकी सीन जो लिए गए हुए हैं, ये पास में ही कनार गाँव पड़ता है, वहाँ पर सीन लिए गए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी कनार गाँव, वहाँ के कुछ सीन हैं मूवी में तो वो भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है दोस्तों, इसी से मैं आया हूँ अभी, और मलियाबाद अभी मैं चलता हूँ इसी से, तो बाकी लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। मूवी में एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है, तो संजय पांडे गुंडे की जो गाड़ी होती है यहीं से ही आती है, और अभी ये दो तीन गाड़ियाँ बीच में खड़ी हुई हैं, तो लोकेशन सही बन नहीं पा रही है। तो आप ये स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लीजिए, घर मैच कर लीजिए, ऊपर डिश मैच कर लीजिए, और वो जो ऊपर टंकी है वो भी मैच कर सकते हैं। ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है, एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है। तो अभी हम फिल्म के लास्ट लोकेशन पे आ गए हैं, और अभी हम पहुँचे हैं कनार गांव में, जो कि मलियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, और फिल्म का लास्ट सीन जब होता है, जब गुंडे की गाड़ी हो, संजय पांडे गुंडे की गाड़ी जो होती है उस गाँव से ही निकल के आती है, तो उस सीन को मैं दिखाता हूँ, चलिए वीडियो को। एक सीन यहाँ का लिया गया हुआ है, यहाँ पर जब संजय पांडे की गाड़ी आती है, और एक इस रास्ते का भी सीन लिया गया हुआ है, तो मैं स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूँ, वहाँ जाकर मैच के लिए, ये सीन यहीं से लिया गया हुआ है।